Hello everyone, I hope you all are doing great and thank you so much for joining me today। तो आज मैं लेके आई हूँ ये दो किचन डेकोर आइटम्स जिसको मैंने घर में पड़े हुए कुछ वेस्ट सामान से ही बनाया है। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल देन प्लीज़ 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 डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट नोटिफाई विद माई अपकमिंग वीडियोज़। तो चलिए शुरू करते हैं ये ईजी एंड क्विक डेकोर आइटम्स को बनाना। So the first DIY is this beautiful सा decor piece using this old tea strainer। तो इसको बनाने के लिए मैंने लिया है ये पुरानी सी strainer जिसका कंडीशन बहुत ही ख़राब है। तो इसको पहले मैं करूँगी बेंड कुछ इस तरह से by using this tool। ओके, तो ये हो जाने के बाद मैं अप्लाई करूँगी इस पर जेसो, या फिर आप वाइट एक्रिलिक कलर भी यूज़ कर सकते हो। जिसको कम्प्लीटली ड्राई होने के बाद मैं यूज़ करूँगी फेविक्रिल का पर्ल ऑरेंज कलर, देन ये वाइट एक्रिलिक कलर टू मेक पोल्का डॉट्स। देन ये सब कम्प्लीटली ड्राई होने के बाद हम अप्लाई करेंगे वार्निश। वार्निश कोई भी आर्ट वर्क को प्रोटेक्ट करता है एंड आपकी जो आर्ट वर्क है वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है। ऑल राइट, तो ये नेट का जो पार्ट है इसको थोड़ा बहुत मैंने यहाँ गोल्डन पेंट से टचअप दिया है। ऑल राइट, तो मैंने लिया है ये रेड रिबन एंड इसे मैं बनाऊँगी एक क्यूट सा बो। एंड इसे मैं स्टिक कर लूँगी कुछ इस तरह से। एंड एट लास्ट मैं इसमें प्लेस करूँगी एक क्यूट सा बर्ड नेस्ट। ऑल्सो आप इसको एज अ कैंडल होल्डर भी यूज़ कर सकते हो। एंड दैट्स इट, हमारा ये क्यूट सा डेकोर पीस इज रेडी। आवर सेकेंड DIY इज दिस ब्यूटीफुल सा किचन टॉवल हैंगर। तो इसके लिए मैंने ड्रॉ किया है ये जार का इमेज, यू कैन गेट द प्रिंट आउट एज वेल। देन मैंने इससे किया है कट एंड देन कार्डबोर्ड पे इसको इस तरह से प्लेस करके इसे कर लिया है ट्रेस। देन कार्डबोर्ड का मैं दो कटआउट्स ले लूँगी। ओके, तो मैं यहाँ यूज़ करूँगी ये वायर टू मेक द हैंगिंग पार्ट्स। तो उससे पहले मैंने लिया है ये POP का पेस्ट जिसको मैंने बनाया है बाय मिक्सिंग वाटर एंड ग्लू। वाटर एंड ग्लू का जो प्रोपोर्शन है वो सेम क्वांटिटी में होना चाहिए। ओके, तो मैंने ये वायर को इस तरह से प्लेस किया है एंड देन इसके ऊपर ये दूसरा वाला कटआउट को प्लेस कर दूंगी। देन कोई एक हेवी सा वेट हम प्लेस करेंगे इसके ऊपर एंड इसे ओवरनाइट छोड़ देंगे ड्राई होने के लिए। ऑलराइट, ये हो जाने के बाद इसके एजेस को सील करने के लिए मैंने यूज़ किया है ये मास्किंग टेप। देन मैंने लिया है सेम POP का पेस्ट एंड मैंने इस पर इस तरह से अप्लाई कर लिया है दोनों तरफ। ओके, तो ये ओवरनाइट ड्राई होने के बाद इस पर मैं अप्लाई करूँगी जेसो। इंस्टेड ऑफ दिस यू कैन यूज़ वाइट एक्रिलिक कलर। देन मैंने लिया है ये ग्रीन चॉक पेंट एंड देन मैंने ब्लैक एक्रिलिक कलर यूज़ करके कुछ इस तरह से इसका बॉर्डर ड्रॉ कर लिया है। ओके, तो मैंने लिया है ये जूट का रोप, इसको मैं यूज़ करूँगी कुछ इस तरह से। ग्लू गन के हेल्प से मैं इसे स्टिक कर लूँगी। ऑलराइट, तो मैं यहाँ लिखूँगी एक ब्यूटीफुल सा कोड बाय यूजिंग ब्लैक परमानेंट मार्कर। फिर मैंने लिया है ये फ्लावर्स जिसको मैंने लोकल मार्केट से परचेज किया था, इसको मैं कुछ इस तरह से स्टिक कर लिया है यूजिंग ग्लू गन। एंड एट लास्ट ये वार्निश का एक कोट टू प्रोटेक्ट माई आर्ट वर्क। एंड दैट्स इट, बन गया हमारा सुपर सिंपल एंड ट्रेंडी टॉवल हैंगर। तो है ना ये सुपर सिंपल एंड ब्यूटीफुल सा आइडिया टू डेकोर योर किचन वॉल। सो इफ़ यू रियली लाइक माई आइडियाज़ देन गिव इट अ बिग थम्स अप। एंड येस, Please don't forget to subscribe to my channel. So see you soon with another interesting video. Stay home, stay safe. Bye-bye.